बिहार संविदा कर्मियों की तरफ से आ रही है बहुत बड़ी खबर। जी हाँ प्यारे साथियों, आप लोग को बताते हुए हमारी बहुत खुशी हो रही है कि अभी अभी बिग अपडेट निकल के आई है जो मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊं। जैसे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को यूं बता दूं ना कि आप लोग की क्या बड़ी खबर है। बड़ी खबर को बताने से पहले प्लीज आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल पर न्यू विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए प्यारे बहनों एंड साथियों, आप लोग को ले चलते हैं और आप लोग एकदम लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि आप लोग के लिए क्या भी अपडेट है। जैसे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है ए टू जेड, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एकदम क्लियर टू क्लियर आप लोग को एकदम समझाते चलेंगे। जैसे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, यानी अभी अभी आप लोग का न्यूज आई, यहाँ पे देख लीजिए पीएम नीतीश कुमार का अहम फैसला, यानी माननीय आप लोग के जो सीएम बात किया जाए नीतीश कुमार, एकदम अहम फैसला लेते हुए यहाँ पे देख सकते हैं बोल दिए हैं कि बिहार संविदा कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि उनके देखा जाए परमानेंट यानी नियमितीकरण की बात किया जाए तो नियमितीकरण कल से स्टार्ट हो जाएगा भैया। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी अफंका, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो प्यारे साथियों, इस चीज़ से हमें 100% प्रूफ होता है कि आप लोग का नियमितीकरण कल स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोग का कल स्टार्ट होना भी चाहिए प्यारे साथियों, क्योंकि आप लोग का इतने दिनों का संघर्ष, इतने दिनों का हड़ताल पड़ताल यदि आप लोग का काम में नहीं आएगा तो क्या फायदा यार करने वाने का। तो जैसे प्यारे साथियों, यूँ बता दूँ ना कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 100% कल क्या यानी नियमितीकरण आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं बधाई हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। जैसे प्यारे साथियों, आप लोग का जैसे नियमितीकरण कल स्टार्ट होगा ना, जो भी जानकारी निकल के आएगी नियमितीकरण से रिलेटेड, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर विजिट करते रहिएगा, ज्यों आएगा त्यों आप लोग को मिल जाएगा प्यारे साथियों, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। जैसे प्यारे साथियों, अब बताने बहुत सारे भाई लोग का डाउट आएगा कि सर हमारा सैलरी कितना दिया जाएगा, तो सैलरी की बात किया जाए तो आप लोग का जो भी सैलरी दिया जाएगा, जो उचित सैलरी यानी एक अच्छा ही सैलरी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग का पूरी की पूरी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आप लोग की जो सैलरी दिया जाएगा वो आप लोग का ग्रेड पे के हिसाब से दिया जाएगा। तो आप लोग ग्रेड पे ही जानते ही हैं कि ग्रेड पे क्या होता है, इसमें कोई भी डिस्कशन करने की कोई जरूरी नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।